एक लड़की जिसे रिपोर्टर बनना था उसे टिप मिलती है कि एक आदमी सीरियल किलर है। जब वो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई तो उसी के प्यार में पड़ जाती है। और इसके पीछे राज क्या था कि हम आज की हमारी मूवी स्कूप 2006 की एक रोमांटिक मिस्ट्री मूवी में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैंने इस तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया। मूवी स्टार्ट होती है और एक रिपोर्टर का फ्यूनरल चल रहा था। इस रिपोर्टर का नाम था जो। उसके फ्रेंड उसके बारे में जब बात करते हैं तो कहते कि जो कभी भी अपनी स्टोरी से पीछे नहीं हटता था। वॉर में भी एक बार हम मरने वाले थे तो एक आदमी को उसने पैसे दे दिए और हम सब लोग वहां से भाग कर आए थे। किसी भी न्यूज की स्टोरी हो हमेशा उसके पास ही फर्स्ट होती थी। उसने बहुत ही बड़े बड़े काम किए थे, सब लोग उसके लिए टोस्ट करते। और इसके बाद हमें मरने के बाद जो दिखाया जाता, सारे 1.5 लोगों की सोल एक बोट में थी। जो इस बोट को चलाने वाले आदमी के पास गया और उसे भी पैसे देने की कोशिश करता है पर किसी की भी सुनता नहीं। या उसे एक लड़की मिलती है जिससे वो बात करने लगता है। उसने उसे पूछा कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी तो जो कहता है कि मुझे ब्लड क्लॉट हुआ था। उस लड़की ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा मर्डर हुआ था। वो एक्चुअल में एक प्रिंस के बेटे के लिए काम करती थी जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसका नाम है पीटर लिंच। जो ने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। उस लड़की ने कहा कि मेरा बॉस टैरो किलर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल रहा था। पुलिस को उस किलर की एक कफलिंग मिली है, वही कफलिंग मेरे बॉस के भी मिसिंग थी। ये पता चलने के बाद मैं डर गई थी। मुझे लगा कि मुझे पुलिस को बता देना चाहिए और उससे पहले मैंने लॉयर को कॉल किया। फोन पर बात करते वक्त मुझे क्लिक सुनाई थी, यानी कि कोई उसे सुन रहा था। उसके तुरंत बाद मैंने चाय ली और मेरी डेथ हो गई। शायद पीटर ने मेरी चाय में पॉइजन मिला दिया था। ये न्यूज जो को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि अगर मैं जिंदा होता तो मेरे करियर के लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज होता। नेक्स्ट सीन में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सोंड्रा जो जर्नलिस्ट बनना चाहती है इसे देखते हैं। वह होटल में एक डायरेक्टर की इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी। डायरेक्टर उसे इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था पर सोंड्रा उसके साथ उसके बेडरूम में आने के लिए रेडी थी तो ये बात वो मान जाता है। इन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में बात की और फिर वो इंटीमेट हो गए पर सोंड्रा को फिर भी इंटरव्यू मिली नहीं थी। वो इंटरव्यू के बारे में पूरी तरीके से भूल जाती है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं ऐसी कैसी जर्नलिस्ट हूँ कि मैंने स्टोरी भी नहीं ली। वो बहुत ही अपसेट थी तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि मेरे साथ तुम शो देखने के लिए आओ, सारा टेंशन तुम्हारा चला जाएगा। ये शो एक मैजिक शो था। हम पैरेलल में जो को देखते हैं जो शिप से पानी में कूद गया और वहां से भाग जाता है। शो में मैजिशियन को अपनी ट्रिक दिखाने के लिए ऑडियंस में से एक पर्सन चाहिए था। इसके लिए सोंड्रा को चूज करता है पर वो जरा नर्वस थी। मैजिशियन का नाम है सीड। सीड ने सोंड्रा के बारे में गेस करने की कोशिश की पर कुछ भी सही नहीं निकलता पर ऑडियंस को बहुत हंसाता है। हमेशा उसके साथ जो भी काम करते हैं उनकी बहुत तारीफ करता है। इसके बाद सोंड्रा बॉक्स में चली गई और अचानक से उसके सामने जो आ जाता है। जो ने कहा कि क्या तुम जर्नलिस्ट हो, मैं उसे ही ढूंढना चाहता हूँ। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि टैरेट किलर के बारे में मेरे पास बहुत बड़ी स्टोरी है। उसने पीटर लाइमन का नाम लिया पर वो कुछ बता पाता इससे पहले वो गायब हो जाता है। ये सब सोंड्रा को बहुत ही अजीब लगा था। घर जाने के बाद इसके बारे में और भी वो इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। जो के बारे में उसे पता चला कि वो बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट था और इसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसने केस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई और वो डिसाइड कर लेती कि इसे परसू करेगी। फिर से जो से मिलने के लिए उसे मैजिक करना पड़ेगा तो सीड के पास आए। सीड को पहले लगता है कि सोंड्रा उस पर केस करने के लिए आई है। वह सोंड्रा उसे सारी सिचुएशन समझा देती है। उस पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करता पर सोंड्रा उसके पीछे पड़ गई थी तो कहता है कि एक बार हम ट्राई कर देखते हैं। फिर से सोंड्रा बॉक्स के लेके जो को बुला दिया पर कोई भी आता नहीं। थोड़ा टाइम गुजर गया तो सीड कहता है कि आप बाहर आ जाओ, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। जाते हुए अचानक से जो वापस आ जाता है। जो ने कहा कि पीटर लाइमन एक सीरियल किलर है, एक बहुत ही बड़ी स्टोरी होगी, इसके बारे में तुम्हें एविडेंस निकालने चाहिए। सोंड्रा ने कहा कि इसके बारे में हमें पुलिस को बताना चाहिए पर जो कहता है कि पुलिस को पता चलने के बाद तुम्हारी स्टोरी नहीं रहेगी। पीटर को भी पता चल जाएगा और उसके बाद वो किलिंग बंद कर देगा, वो इससे बच सकेगा। तुम्हें एविडेंस लाने पड़ेंगे और एक अच्छी स्टोरी लिखनी पड़ेगी। जो के जाने के बाद सोंड्रा सीड से कहती है कि अब तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। सोंड्रा ने कहा कि एक सीरियल किलर है जो कभी भी किसी को भी मार सकता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। वो सीड को उसके साथ पीटर के ऑफिस के बाहर लेकर आए। उसने उसे देखा और उसका पीछा करते है। वो एक म्यूजियम में आए तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी पीटर है ही नहीं। सीड ने कहा कि तुम ऐसे उसे कैसे ढूंढ सकते हो, तुम्हें तो रियल है भी या नहीं वो भी पता नहीं है। अगले दिन सोंड्रा की फ्रेंड उसके पास है, कहती कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। पीटर जिस क्लब में स्विमिंग करने के लिए जाता है वही पर मेरे फादर भी एक मेंबर है, तुम वहां पर उसे मिल सकती हो। सोंड्रा अपने साथ सीड को भी लेकर आई।
सैंडर कहती कि पीटर हमसे बात क्यों करेगा, वो तो बहुत ही अमीर है और ये लोग अपने सर्कल से ही बात करते हैं। सिड ने कहा कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, वो ऑफकोर्स तुमसे बात करेगा। स्विमिंग पूल में डूबने का नाटक करो और वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, नहीं आया तो तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बता दूंगा। सैंडर ने प्रिटेंड किया और पीटर उसे बचा लेता है। सैंडर कहती कि मुझे क्रैम्प आ गया था। पीटर और वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और सैंडर ने कहा कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे झूठ उसे बोल देती है। पीटर कहता है कि संडे पर मेरे घर पर एक पार्टी है, तुम अगर चाहो तो आ सकती हो। सैंडर पूछती कि क्या मेरे डैड भी मेरे साथ आ सकते हैं, हम दोनों यहाँ पर अकेले ही है। पीटर भी सीड से मिला और ये प्लान उनका फिक्स होता है। सीड ये सब करने के लिए डर रहा था, वो कहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे फिर से डिपोर्ट कर देंगे। सैंडर कहती कि इस केस को मैं जाने नहीं दे सकती, तो सीड भी उसकी हेल्प करने के लिए मान गया। पार्टी में आने के बाद सीड रीच होने का बहुत प्रिटेंड करता है। लोगों से उसने बहुत सारी अजीबोगरीब बातें की पर उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक जोक है, तो इस वजह से उसे छोड़ देते हैं। बातों बातों में पीटर को पता चला कि सौंड्रा को भी म्यूजिक बहुत ही पसंद है। वो जब अकेले थे तो पीटर सौंड्रा को उसका गार्डन दिखाता है, तो उसने पूछा कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या है। सौंड्रा कहती मुझे डांस करना और म्यूजियम्स विजिट करना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाइनीज फूड भी बनाती हूँ। पीटर ने कहा कि अच्छे रेस्टोरेंट की लिस्ट में तुम्हें यहाँ की दे सकता हूँ, तुम जिस तरीके से बात करती हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पैरेलल में सीड पीटर के बेडरूम में घुस गया, उसका सारा सामान चेक करता तो एक लेटर पर एक लड़की का नाम बार बार लिखा हुआ था। पीटर सैंडर से कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, मैं पहले लव एट फर्स्ट साइट पर बिलीव नहीं करता था पर तुम्हें देखने के बाद मुझे बिलीव होने लग गया है। उसे किस करने के लिए उसके पास आया पर सैंडर उसे रोक लेती है। पार्टी के बाद सीड ने कहा कि मुझे पीटर के बेडरूम से इस लड़की का नाम मिला। सैंडर को इतना बड़ा क्लू नहीं लगता। अगले दिन एक पोकर गेम था जहां पर पीटर भी आने वाला था, तो सीड को भी इनवाइट कर लेता है। गेम स्टार्ट हुआ और पीटर ने कॉल कर बताया कि आज मुझे जरा लेट हो जाएगा, बाद में इस गेम को ज्वाइन करता है। अगले दिन सैंड्रा को पता चला कि उस किलर ने और भी एक लड़की को मार डाला है। इसके बारे में सीड कहता है कि कल रात गेम में वो बहुत ही लेट आया था, उतने समय में वो किसी को भी मार सकता था। सैंड्रा कहती कि हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसके घर में जाकर और भी हमें जानकारी निकालनी पड़ेगी। सैंड्रा फिर पीटर को कॉल कर उसके साथ डेट पर जाती है। पीटर के घर पर उसने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, अलग अलग आर्ट बना हुआ था। कहती कि ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल है। पीटर कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा तो नीचे मेरा सेफ है जहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। सब एंटीक चीजों को उसने संभाल कर रखा था। वो कहता है कि इन चीजों की तरह तुम भी बहुत रोमांटिक हो। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। अर्जा सीड अपना मैजिक शो कर रहा था तो जो उसे फिर से मिलने के लिए आ जाता है। उसने कहा कि नंबर याद कर लो, ये सेफ का कॉम्बिनेशन था। पीटर सैंड्रा के लिए शैंपेन लेने के लिए गया तो उसकी सारी चीजों चेक करती है। उसे एक लड़की का एल्बम मिला। पीटर देखकर कहता है कि मेरी मदर है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी पर उसके बहुत सारे अफेयर चलते थे। आजाद पीटर सैंड्रा को उसके साथ रुकने के लिए कहता है पर सैंड्रा एक बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सैंड्रा सीड से मिलकर उसे बता रही थी कि उसे नहीं लगता कि पीटर कोई भी सीरियल किलर है। सीड कहता है कि तुम उसके जादू में मत आ, कल रात जो ने उसे सेफ के कॉम्बिनेशन दिया था इसके बारे में उसने उसे बताया। सैंड्रा कहती कि मैंने वहां पर कोई भी तिजोरी देखी नहीं पर एक रूम था जिसका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। आज सैंड्रा के घर पर पीटर ने बहुत सारे फूल भेजे थे, इसमें उसके घर के एक पार्टी के लिए इनविटेशन था। सैंड्रा सीड को भी यहाँ पर लेकर आए यानी कि और भी इन्वेस्टिगेशन कर पाए। बाथरूम जाने का बहाना बनाकर सीड नीचे आ गया, उस रूम को खोल लेता है। वो जब चेक कर रहा था तो एक आदमी को लगा कि रूम का डोर खुला है तो उसे वो बंद कर रहता है। सीड अंदर ही फंस गया। बहुत टाइम हो गया तो सैंड्रा उसे ढूंढने के लिए आई। वो सेफ का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा भूल चुका था। सैंड्रा ने ट्राई कर उसे बाहर निकाल लिया। सैंड्रा को ढूंढते हुए पीटर नीचे आ गया तो सैंड्रा कहती कि मैं मेरे फादर को एक टूर दे रही थी। पीटर सैंड्रा से कहता है कि प्लीज आज रात यहीं पर रुक जा। सैंड्रा उसे मना नहीं कर पाती। बीच रात में उठकर उस सेफ में वो चली गई। सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करती है तो वहां पर उसे कार्ड का डेक मिला। सीरियल किलर हमेशा मर्डर के बाद एक कार्ड छोड़कर जाता था। ये बात सैंड्रा के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी कि शायद पीटर सीरियल किलर हो सकता है। पीटर की भी नींद खुल गई थी तो सैंड्रा वापस आ गई और कहती कि मुझे नींद आ नहीं रही थी। ये इन्वेस्टिगेशन करना डेंजरस हो गया था तो सीड कहता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए पर सैंड्रा इसके लिए मानती नहीं। अब सैंड्रा का बर्थडे आता है तो पीटर ने उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया। पीटर ने कहा कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकता, एक बिजनेस की वजह से मुझे जरा दूर जाना पड़ेगा। सीड को जब पता चला कि सैंड्रा का बर्थडे तो उसने कहा कि मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। रेडी होते हुए जो उसके सामने आ गया, उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम प्यार में पड़ रही हो। पीटर के खिलाफ बहुत सारे क्यूज तुम्हें मिले हैं
हमें जरा सावधान रहना चाहिए। जब वो सीढ़ी के साथ डिनर कर रही थी तो स्ट्रीट पर उसने पीटर को देखा, उसका पीछा करते पर बाद में उन्होंने उसे खो दिया। स्ट्रीट पर भागते भागते एक लेडी आई, उसने कहा कि अभी अभी मर्डर हो चुका है, ये मर्डर उसी सीरियल किलर ने किया था। अगले दिन पेपर में न्यूज आई और सीट कहता है कि पीटर की मदर की तरह ही वो लड़की दिखती थी और इसके बाद वो पीटर को इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे। ये जाकर सब कुछ न्यूज़पेपर वालों को बता देते हैं, सारे एविडेंस उन्होंने बता दिया। न्यूज़पेपर हेड कहता कि आज ये सीरियल किलर पकड़ा गया है, तुम्हारी स्टोरी अच्छी थी पर ये सब कुछ झूठ है, अब हम कुछ भी कर नहीं सकते। सैंड्रा को बहुत ही अच्छा लगा कि पीटर ने एक्चुअल में कोई भी मर्डर नहीं किया, उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी पीटर को झूठ बोली थी तो इस बात के लिए उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट टाइम जब वो पीटर से मिली तो पीटर कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, तुम्हारे बर्थडे के दिन पर मैं यहीं पर था पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग मुझे करनी थी। सैंड्रा ने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया, उसने कहा कि मैं रिपोर्टर हूँ और मुझे लगा था कि तुम एक किलर हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे थी, पर स्लोली स्लोली मुझे तुमसे प्यार हो गया। पीटर इन सब बातों से सरप्राइज था और वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सैंड्रा के घर पर सीड से उसे मिलने के लिए आता है, कहता है कि मुझे अब भी लगता है कि पीटर एक सीरियल किलर है, बहुत सारी किलिंग्स हो रही थी तो पीटर ने भी एक लड़की को मार दिया, इस सब में वो कवर अप कर सकता है, मर्डर के स्ट्रीट पर उसका होना ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। सिर्फ सैंड्रा को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहा था, सैंड्रा कहती कि ये सब झूठ है, अब वो उस पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती और वो पूरी तरीके से पीटर के प्यार में थी। सीड के सामने जो वापस आता है, सीड ने अपनी सारी थ्योरी उसे बता दी। जो ने कहा कि पीटर की तुम कार चेक करो, लास्ट मर्डर में जो कार्ड यूज हुआ था अगर वो मिसिंग है इसका मतलब है पीटर ही सीरियल किलर है। जो जाते जाते कह गया कि अब मैं वापस नहीं आ सकता, उसकी ट्रिक्स अब काम नहीं कर रही। मर्डर वाली बिल्डिंग में सीट पहुंच जाता है और भी उसने सब लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाई। जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो एक सेक्स वर्कर थी। एक लेडी से बात करने के बाद सीट को पता चलता है उस लड़की का नाम बीटी था, ये वही नेम है जो पीटर ने बहुत बार लिखा हुआ था। और भी बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उस लड़की का हेयर कट पहले अलग हुआ करता था पर बाद में उसके क्लाइंट की वजह से उसने वो हेयर कट बदल लिया। ये लेडी उस क्लाइंट का पूरा नाम बता नहीं पाती पर उसे पता था कि उसका नाम पीटर से स्टार्ट होता है। अब सीट कंफर्म हो चुका था कि पीटर ने मर्डर किया है। वो सैंड्रा को वार्न करने के लिए कॉल करता है पर सैंड्रा पीटर के साथ सिटी के बाहर एक वैकेशन पर थी। उसने सारी बातें उसे समझाने की कोशिश की पर सैंड्रा उसका कोई भी मान नहीं रही थी। पैनल में अलग फोन से पीटर सब कुछ सुन रहा था। सीड और भी प्रूफ निकालने के लिए पीटर के घर पर पहुंच गया। वहाँ के सर्वेंट से कहता है कि मेरी बेटी की ड्रेस ऊपर रह चुकी है, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो। ऊपर गई तो सीड नीचे लॉकर में आ गया। वहाँ एक हॉर्न के नीचे उसे एक चाबी मिलती है। ये चाबी लेकर वो निकल रहा था पर सर्वेंट ने उसे उस रूम से बाहर निकलता हुआ देख लिया। वो इसके बारे में पीटर को कॉल कर देती है। सीड चाबी को लेकर मर्डर वाले बिल्डिंग में पहुंचता है। क्राइम सीन के फ्लैट पर ये चाबी लग जाती है, उसके पास प्रूफ भी था। पीटर सैंड्रा को लेक पर लेकर गया। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगता है, हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने तुम्हें डूबने से बचाया था, अब मुझे तुम्हें डुबा कर मारना पड़ेगा। सैंड्रा डर गए। पीटर सारी चीजें के लिए कन्फेस करता है। उसने कहा कि बेटी के पास मैं हमेशा जाया करता था, पता चला कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ तो मुझे ब्लैकमेल करने लग गए, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता था। मुझे जब सीरियल किलर के बारे में पता चला तो मैंने उसकी सारी चीजें स्टडी की, उसी तरीके से मैंने बेटी को भी मार दिया। इसके बाद वो सैंड्रा को पानी में पुश कर देता है। सीड फास्ट ड्राइव करके सैंड्रा को बचाने की कोशिश कर रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पीटर घर पर आकर पुलिस को कॉल करता है। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि सैंड्रा एक्सीडेंटली पानी में गिरकर उसकी डेथ हो गई। पुलिस आने पर सारी स्टोरी उन्हें बता रहा था तभी सैंड्रा वहां पर पहुंच जाती है। वो कहती कि मैं स्विमिंग की चैंपियन हूँ, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी। उसने इस बार एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी लिखी, उसे एक अच्छा जॉब भी मिल जाता है। अगर हम सीड की बात करें तो एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, वो भी अब डेढ़ लोगों की शिप में था। यहाँ पर भी सब लोगों को मैजिक दिखाकर वो उन्हें इंटरटेन करता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज